तो तैयारी पूरी हो चुकी है और मतलब मैंने बैग सब पैक कर दिया है और उसके अलावा परी को भी स्कूल जाना है नेक्स्ट डे, मतलब हम जिस दिन जा रहे हैं उसी दिन ही जाना है यानी कि कल। और मैंने तो क्या बताऊँ टाइम नहीं मिल पाता, मुझे वीडियो बनाना था मेहंदी के लिए तो बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला, फाइनली मैंने दो वीडियोज बना लिए हैं। परी ने कुछ बहुत तो मेरी हेल्प करवा दी थी कपड़े वपड़े रखवाने, बट फिर भी वो भी अभी छोटी है तो कुछ चीज़ें मुझे सही लगी कुछ चीज़ें नहीं लगी। तो मैंने घर में सबके लिए सरप्राइज है और किसी को भी नहीं पता है, मैंने कहा भी अपने भाई से कि तुम घर में किसी एक को बता दो, बट यार नहीं चलो कोई नहीं, तो सब बिल्कुल धमाकेदार सरप्राइज देते हैं। तो देखो क्या होता है, नीशू नीशू का इतना बुरा हाल था, वो तो 3 दिन से यही डर रहा है मम्मी पैकिंग कर लो मम्मी पैकिंग कर लो, अभी सुबह जल्दी उठना है और सुबह बहुत सारे काम है। और अभी तो फिलहाल मैं इसे वॉश करती जाके, क्योंकि रात में मुझे हर हालत में दो वीडियो बनाने, दिवाली हो रक्षाबंधन हो कुछ भी हो या रमजान हो, तो सभी लोग मेहंदी की वीडियोस का इंतजार करते हैं, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि भले ही मैं कोई जॉब नहीं करती बट फिर भी ये भी मेरी ड्यूटी ही है, तो मुझे इसे भी करना होता है और सच में मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। और आज अच्छा बहुत पता नहीं कितना काटते हैं यार। तो अगले दिन रवि का आना हुआ और देख सकते हो परी निशु कैसे बेसब्री से मतलब इंतजार कर रहे हैं कि इनका बस चले तो यहीं से छलांग लगा दे, बहुत खुश थे मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर हो गई आते थे, शायद बता रहे थे कि जाम आम से हो रहा है और मैं जा रही हूँ नीचे, बच्चे कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो तो पहुँच भी गए नीचे और अभी मैं जा रही हूँ। बहुत खुशी होती है जब घर से कोई आता है, मतलब मैं ही क्या सभी लोग बहुत खुश होते हैं और स्पेशली जब मायके से कोई आने वाला होता है तो एक अच्छी सी फीलिंग होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं जा रही हूँ अपने प्यारे से जुड़वा भाई से मिलने के लिए, क्योंकि 2.5-3 साल बाद आना हुआ है कोविड के बाद से। हम लोग तो फिर भी 2 बार हो गए मतलब हो आए थे वहाँ पे, बट भाई का आना काफ़ी टाइम बाद हुआ है, तो मैं जा रही हूँ नीचे के मिलने के लिए। हाय। तो परी निशु तो पहले से ही पहुंच चुके थे और आप देख सकते हो किस तरीके से ये लोग चिपके बैठे हुए हैं बिल्कुल मामा के साथ। और फिर ये ले आए थे पकौड़ी, क्योंकि यहाँ की एक जगह की पकौड़ी बहुत फेमस है। और फिर साथ में गन्ने का जूस, क्योंकि पापा को कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी थी और ना ही उनको कॉफ़ी या चाय देनी थी, इसलिए ये गन्ने का जूस मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और मेरे ख्याल से और लोगों को भी एक बार ट्राई करना चाहिए कि कभी भी घर में कोई आए तो गन्ने का जूस भी सर्व किया जा सकता है, अच्छा ऑप्शन था मतलब मुझे सच में ये। ब्लॉगिंग मेरी हो रही है, फोटो उधर खींच रही है। जाके सारी बातें होंगी, बहुत मजा आने वाला है। देखो क्या होता है, काफी देर हो ही चुकी है और मुझे अच्छे से बात नहीं लग रहा है, क्योंकि पापा जल्दी हो जाएंगे। क्या करो बाय पापा। आ चुके हैं और देख सकते हो कि रात कितनी ज्यादा हो गई है, मतलब रात इतनी ज्यादा नहीं हुई है पर हमने भी घर पे भी फोन करके बता दिया परी के पापा को और बाबा को परी के। तो अब हम लोग बस पहुंच ही गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे यार मेला भी लगा है, बड़ा अच्छा सा लगा है। क्या
ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, मतलब सोचा नहीं आ सकता था। और मतलब भाई ने जो हमें लेके आया था वो मतलब उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि गाड़ी में बैठे रहना, मैं कैमरे ऑफ करवा के आता हूँ अंदर। और उसके बाद यहाँ पे कैमरे ऑफ कर दिए, उसके बाद भाई डॉगी को घुमाने लगे बाहर और हम आ गए अंदर। तो पहले तो सब देखे ना एकदम से इग्नोर कर दिए क्योंकि वो सोचा ही नहीं था, सबको लगा कि मतलब छाया है रुचि है। तो मैं जैसे ही अंदर गई सब लोगों की हालत खराब। बोलिए